हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड के बीच का डिफरेंस समझेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टिच वेल्डिंग या इंटरमिटेंट वेल्डिंग और कंटिन्यूअस वेल्डिंग के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यह है बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, बट वेल्ड में पैरेंट मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल सेम प्लेन में होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे दो पैरेंट मेटल हैं P1 और P2, इन दोनों को हमें वेल्डिंग करना है। तो देखिए, इन ये दोनों बिल्कुल सेम प्लेन में हैं। सेम प्लेन मतलब एक ही एक्सिस में दोनों है, बैक टू बैक ये ज्वाइनिंग होती है। देखिए, एक ही एक्सिस है, एक एक्सिस है, बिल्कुल एक प्लेन है और ये बैक टू बैक ज्वाइनिंग होगी। यहां पे ये वेल्डिंग होगा, ये वेल्डिंग है बैक टू बैक। तो ये है बट वेल्ड, ये बट वेल्ड है। वहीं फिलेट वेल्ड में जो दोनों पेरेंट मेटल होते हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल में होते हैं, मतलब 90 डिग्रीज पे होते हैं। ये देखिए, ये हमारे दो पेरेंट मेटल है P1 और P2, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने 90 डिग्री पे इसको रखा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 90 डिग्री का होता है, ये फिलेट वेल्ड होता है। साथ ही फिलेट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन हमेशा ट्राइंगुलर ही होता है, ये भी ध्यान देंगे, फिलेट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन हमेशा ट्राइंगुलर ही होगा। ये देखिए, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, ये ट्राइंगुलर है। वेयर एज बट वेल्ड में ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगुलर भी हो सकता है या दूसरा भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, बट फिलेट वेल्ड में हमेशा ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन ही होगा। तो ये तो था इनका अरेंजमेंट। साथ ही बट वेल्ड बनाने के लिए हमें जो ज्वाइंट बनाना पड़ता है वो होता है स्क्वायर या वी या यू या जे। देखिए, स्क्वायर होता है जिसमें दोनों फेस पैरेलल होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था या नीचे भी दिखाता हूँ, ये स्क्वायर बट ज्वाइंट है। ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट के बीच में एक फर्क है, ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट। ज्वाइंट होता है पेरेंट मेटल का कॉन्फ़िगरेशन, पेरेंट मेटल को जिस अरेंजमेंट में हम रखते हैं उसे ज्वाइंट बोलते हैं, और जब इसके ऊपर जैसे ये वेल्डिंग कर दिया तो ये वेल्ड ज्वाइंट हो गया, ये बट वेल्ड ज्वाइंट हो गया। और अभी ये बट ज्वाइंट है, इसके ऊपर वेल्डिंग कर देंगे तो ये बट वेल्ड ज्वाइंट हो जाएगा। तो बट ज्वाइंट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ये है बिल्कुल फ्लैट फेस, इसे स्क्वायर बट ज्वाइंट कहते हैं, स्क्वायर बट ज्वाइंट, या फेस बिल्कुल बराबर हो गए। इसके साथ ही वी यू और जे, ये तीन तरीके के भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। वी में ये बीवल किया हुआ रहता है, इसका फेस यहां से बीवल होगा एक पर्टिकुलर एंगल पे। साथ ही यू में कुछ इस शेप में बीवल, कुछ इस शेप में, दोनों पेरेंट मेटल के एंड को इस शेप में बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ये वी है और ये यू है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं बट ज्वाइंट में। यहाँ एक और चीज होता है, जैसे ये वी है, अगर ये थिन सेक्शन है, अगर ये कुछ ज्यादा थिक हो जाता है, ज्यादा मोटा हो जाता है, तो ये सिंगल वी है, इसके बजाय हम डबल यू ऐसा डबल वी ज्वाइंट का यूज करते हैं, डबल वी ज्वाइंट। तो थिक सेक्शन, मोटे सेक्शन में डबल वी का, और थिन जो थोड़ा कम पतला होता है, कम मोटा होता है, वहां पे सिंगल वी का यूज करते हैं। तो ये डबल और सिंगल क्यों यूज करते हैं, ये इसका भी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जो ज्वाइंट, जो पेरेंट मेटल की थिकनेस ज्यादा मोटी हो जाएगी तो सिंगल वी में हमें ज्यादा फिलर मेटल का यूज करना पड़ेगा, मोर फिलर मेटल सिंगल वी में, जबकि डबल वी में हमें कम फिलर मेटल का यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है मोटे सेक्शन के लिए, डबल वी इकोनॉमिकल हो जाता है। साथ ही सिंगल वी में ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा,
ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि एक ही साइड में कंटिन्यू वेल्डिंग करते चले जाएंगे और वेल्डिंग के दौरान मेटल मोल्टन स्टेज में आ जाता है, फिर सॉलिडिफाई होता है, तो इधर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि डबल वी में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और साथ ही डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन भी डबल वी में कम होगा, क्योंकि रेसिडुअल स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, क्योंकि पहले एक साइड से वेल्डिंग होगी फिर दूसरे साइड से होगी, तो डिस्टॉर्शन कम होगा और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। तो ये फायदा है डबल और सिंगल वी में। अब बात करते हैं यहाँ कितने तरीके के फिलेट में ज्वाइंट होते हैं। तो फिलेट के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं, टी ज्वाइंट, ये देखिए टी शेप में होता है, ये भी फिलेट होगा। ऊपर जो मैंने दिखाया ये कॉर्नर ज्वाइंट है, ये भी कॉर्नर ज्वाइंट है, एक नीचे ही फोटो बनाता हूँ, ये भी कॉर्नर ज्वाइंट है, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर। फिर लैप ज्वाइंट में भी वी होगा। एक होता है क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट, तो इन सब में ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, या तो इधर से वेल्डिंग करें या इधर से, इधर से। अभी मैंने आपको पहले बोला था पैरेंट मेटल का अरेंजमेंट होता है 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होते हैं, तो ये लैप ज्वाइंट में आप कह सकते हैं कि ये तो 90 डिग्री पे नहीं है, ये पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है, ओवरलैपिंग में है, बट जो वेल्डिंग फेस है, वेल्डिंग का फेस, वो 90 डिग्री पे है, तो जो वेल्डिंग का क्रॉस सेक्शन होगा वो 90 डिग्री पे ही ये वेल्डिंग होगा, तो फेस जो है 90 डिग्री पे होगा किसी भी फिलेट ज्वाइंट में। तो इस तरीके से टी ज्वाइंट में देखिए ये ये ज्वाइंट हो जाएगा हमारा टी ज्वाइंट, साथ ही ये क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट है। क्रूसीफॉर्म ज्वाइंट में क्या होता है, एक फ्लैट पट्टी इस साइड से रहेगी और दोनों साइड से दो फ्लैट या प्लेट्स आएंगे, तो इनकी जो ज्वाइंट होंगी ये भी फिलेट ज्वाइंट होगा। तो इन तरीके ये फिलेट ज्वाइंट्स के टाइप हैं। अब हम समझेंगे साइज, बट वेल्ड को कैसे डिफाइन, इसका साइज कैसे डिफाइन करते हैं और फिलेट वेल्ड का साइज कैसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बट वेल्ड में हम एक टर्म का यूज करते हैं, थ्रोट, थ्रोट थिकनेस, साइज डिफाइन करने के लिए, बट ज्वाइंट का, बट वेल्ड के का साइज डिफाइन करने के लिए हम थ्रोट थिकनेस का यूज करते हैं। थ्रोट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल एक सिंगल वी ज्वाइंट लेंगे, इस तरीके से ज्वाइंट होगा, थोड़ा सा नीचे भी पैरेंट मेटल निकलेगा, थोड़ा ऊपर एक्सेस वेल्ड मेटल निकलेगा, तो एक्चुअल बिल्कुल एक्सेस वेल्ड मेटल जहां तक जाता है वहां से लेके बिल्कुल नीचे तक का जो थिकनेस होगा इसे एक्चुअल थ्रोट बोलते हैं, एक्चुअल थ्रोट थिकनेस बट वेल्ड में। और साथ ही सिर्फ पैरेंट मेटल का थिकनेस या डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल, एक्सेस मेटल जो है उसको छोड़ के थिकनेस लेंगे तो वो होगा एक्चुअल डिजाइन थ्रोट थिकनेस, डिजाइन थ्रोट, डिजाइन थ्रोट। तो डिजाइन थ्रोट और एक्चुअल थ्रोट में क्या फर्क हो गया, तो डिजाइन थ्रोट प्लस एक्सेस वेल्ड मेटल, ये हाइट जिसे रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, प्लस रीइंफोर्समेंट, डिजाइन थ्रोट थिकनेस प्लस रीइंफोर्समेंट को मिला दें तो हमें एक्चुअल थ्रोट का थिकनेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से बट वेल्ड के साइज को डिफाइन करते हैं। अब फिलेट वेल्ड के साइज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फिलेट वेल्ड में दो टर्म का यूज करते हैं, एक तो थ्रोट और दूसरा लेग, लेग लेंथ या लेग। तो दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये वेल्डिंग है, वेल्डिंग में ये एक्सेस वेल्ड मेटल है, तो इसमें भी एक्चुअल और डिजाइन थ्रोट होता है। जो डिजाइन थ्रोट होगा ये दोनों पैरेंट मेटल के इंटरसेक्शन से लेके जो दोनों टो है, ये दोनों पोर्शन को टो बोलते हैं, जहाँ पैरेंट मेटल और वेल्ड मेटल मर्ज होते हैं, मिलते हैं, वो टो होता है। तो दोनों टो से एक लाइन खींच देते हैं और इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर एक जो लाइन आती है, इस थिकनेस को डिजाइन थ्रोट बोलते हैं। और यहां भी एक्चुअल थ्रोट होता है, तो एक्चुअल थ्रोट में क्या होगा, डिजाइन थ्रोट प्लस
जो एक्सेस वेल्ड मेटल है इन दोनों को अगर जोड़ देंगे एक्सेस वेल्ड मेटल को, तो ये जो हाइट होगा ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल थ्रोट। तो ये तो हो गया थ्रोट। इसके साथ ही फिलेट जॉइंट में लेग लेंथ भी एक साइज को डिफाइन करने का तरीका होता है। लेग लेंथ होता है इंटरसेक्शन से टो तक की लंबाई को लेग बोलते हैं। ये दो साइड दोनों साइड से होगा या तो यहां से ये दोनों लेग लेंथ हो गया। तो इस तरीके से बट और फिलेट के साइज को डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको बोला था स्टिच वेल्डिंग और इंटरमीडिएट वेल्डिंग के बारे में। स्टिच या इंटरमीडिएट वेल्डिंग और कंटिन्यूअस वेल्डिंग के बीच का क्या फर्क होता है। कंटिन्यूअस को सिम भी बोलते हैं, सिम वेल्डिंग। तो इसके लिए मैं एक वेल्डिंग का फोटो बना लेता हूं। यहाँ ये दो पार्ट हैं P1 और P2, इनको यहाँ पे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स स्टिच वेल्डिंग में जब भी ज्वाइनिंग होगी वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ज्वाइनिंग होगी, फिर बीच में गैप होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, फिर वेल्डिंग होगा, फिर गैप होगा, फिर वेल्डिंग होगा, फिर गैप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 mm का वेल्डिंग, 100 mm गैप, फिर 50 mm का वेल्डिंग, 100 mm गैप, 50 mm, 100 mm, 50 और 100। इस तरीके से स्टिच वेल्डिंग होती है। इसे इंटरमीडिएट वेल्डिंग भी बोलते हैं या स्टिच वेल्डिंग। जबकि कंटिन्यूअस या सिम वेल्डिंग में पूरा जो लेंथ है पूरे लेंथ पे वेल्डिंग करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। इधर स्टिच, STITCH, स्टिच वेल्डिंग, कंटिन्यूअस वेल्डिंग। स्टिच वेल्डिंग के अंदर जैसे कि कम एरिया पे वेल्डिंग हो रहा है तो हीट इनपुट कम होगा, लेस हीट इनपुट। ये एक बेनिफिट है, कम हीट इनपुट मिलेगा मटेरियल को। तो साथ ही इसमें डिस्टॉर्शन भी कम होगा। डिस्टॉर्शन कैसे होता है, जैसे इसी का अगर क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं इसी वेल्डिंग का फॉर एग्जाम्पल, तो जब वेल्डिंग करेंगे वेल्डिंग के बाद थोड़ा सा पैरेंट मेटल जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो अंदर खींचता है। तो जब अंदर खींचेगा तो मेटल जो है स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन के दौरान वेल्ड मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो अपनी तरफ पैरेंट मेटल को थोड़ा खींचता है तो उसका डिस्टॉर्शन होता है। तो कम वेल्डिंग होगा तो कम डिस्टॉर्शन होगा और साथ ही लेस HAZ, जो हीट अफेक्टेड जोन एरिया है वो भी कम होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं स्टिच वेल्डिंग के। अब कंटिन्यूअस वेल्डिंग के क्या बेनिफिट हैं, तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग में हमारा जो वेल्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होगा। तो अगर हमें वेल्डिंग की में स्ट्रेंथ चाहिए तो कंटिन्यूअस करेंगे, अगर स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है तो स्टिच करेंगे। साथ ही अगर वेल्डिंग को सील वेल्डिंग करना है तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग करना पड़ेगा। अगर सील वेल्डिंग है तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग करना पड़ेगा, अगर सील नहीं करना है तो स्टिच करेंगे। तो ये डिफरेंस है स्टिच वेल्डिंग और कंटिन्यूअस वेल्डिंग का। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन भी ऑनेस्टली जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।